बाजूला घोट गावाच्या घोट क्रिकेट संघाच्या दृष्टिकोनातून रोशन सालुंगे असेल तर खारकोपरकडून निश्चित स्वरूपात अतिशय दमदार फॉर्मात असणारा इथे प्रतीक यांच्यामध्ये खूप मोठी लढत आपल्याला बघायला मिळेल. खऱ्या अर्थाने स्पर्धेकरता सागर मांडवकर नेरे आमचे या गावचा एक दमदार आवाज संपूर्ण रायगड असो किंवा ठाणे असो अशा विविध स्पर्धेमध्ये आपण सातत्याने ऐकत असतो त्यांचा आम्ही मनपूर्वक इथे आभार. आणि खास करून समीर दादा पाटील यांची प्रशंसा करण्यासाठी शब्द कमी आहेत. खऱ्या अर्थाने रॉकस्टार जर आपण विचार केला डेची स्पर्धा याच मैदानावर खेळवली गेली आणि त्यावेळेस समीर दादा पाटील यांनी जाहीर केलं होतं की येणाऱ्या एप्रिल महिन्यामध्ये किंवा मार्चच्या एंडिंगला याच मैदानावर प्रकाश ज्योतातील क्रिकेट स्पर्धेचं आयोजन केलं जाईल. म्हणजे बोलतात तसे ते करतात की बोलले तैसे चाले त्याची वंदा भी पाहुले. आम्ही जे बोलतो ते करून दाखवतो तसं समीर दादाने केलं. त्यांच्या माध्यमातून इथे टू व्हीलर्स बाईक सुद्धा त्यांनी इथे पुरस्कृत केलेले आहे. म्हणजे लागोपाठ 3 वर्षे 3 बाईक त्यांच्या माध्यमातून पुरस्कृत करण्यात आल्या. तर बघा उद्या या स्पर्धेची दुसरी रात्री असेल आणि उद्या बरोबर तुम्हाला 7 वाजता रिपोर्टिंग करायचे. उद्याचा पहिला सामना असेल भैरवनाथ रिडगर विरुद्ध भगतवाडी, गावदेवी अकुर्ली विरुद्ध गावदेवी वाकडी दुसरी लढत असेल, तिसरी धुंद्रेपाडा विरुद्ध सुकापूर, चौथी मॅच असेल गौरी स्पोर्ट्स नेवाली विरुद्ध देवत आणि अंतिम सामना असेल वल्लभी विरुद्ध खानाव. तर उद्या बरोबर पहिला जो सामना असेल त्यांना 7 वाजता रिपोर्टिंग करायची याची नोंद घ्या. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स मनोहर पाटील. थँक्यू, थँक्यू सो मच. सभी का शुक्रिया दोस्तों. गावदेवी घोट और मंगे स्पोर्ट्स खारकोपर इनके बीच में ये दूसरा मुकाबला चलता हुआ लीग स्टेज का हम देख पा रहे हैं. आगे पहुंचने वाली टीम हमने देखी थी, कमाल का मुकाबला खेला और रोहिंजन क्रिकेट टीम ने इस लॉट से आगे अपनी जगह बनाई है. गेंदबाजी में प्रतीक प्रीतम के लिए गेंद थी, इस बार गैप ढूंढने की कोशिश है लेकिन जिस तरीके से चाहते थे उतनी तेजी से गेंद आई नहीं. हल्के हाथों से इस गेंद को खेला था, टाइम करने की कोशिश जरूर थी लेकिन खिलाड़ी वहां पर मिड ऑफ में मौजूद थे, कोई गलती नहीं होगी और 1 रन का इजाफा होता. बा खाता खुल चुका है यहाँ से गावदेवी घोट क्रिकेट टीम के पारी का. और जिस तरीके से जिक्र किया था प्रतीक पाटिल ने, टॉस जीतने के बाद हम गेंदबाजी करेंगे. बल्लेबाजी उनकी खास तौर पर ताकत है और चेस करना पसंद करते हैं लेकिन उस मरतबा प्रीतम पाटिल और रोशन सालुंके जो इस साल कमाल के फॉर्म में रही है जोड़ी, इन दोनों का मैदान के अंदर रुकना बेहद जरूरी होगा. मैदान के अंदर हम जाएंगे गेंदबाजी में, एक बार फिर से तैयार होंगे. प्रतीक पाटिल इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर राउंड द विकेट. रोशन के लिए गेंद, मानो चकमा खाया था इस गेंद के ऊपर, पूरी तरीके से कोई जवाब नहीं था इस गेंद का. लाजवाब गेंदबाजी, गति में मिश्रण करना, कभी गेंदबाजी तेज करते हैं, कभी अंदर की तरफ गेंदे लाते हैं तो कभी गेंदे बाहर की तरफ निकलती है. पूरी तरीके से जोखिम उठाने को मजबूर कर देते खिलाड़ियों को और शांत रखने में अब तक कामयाब रहे. इन जंजीरों को तोड़ना होगा, जंजीरें बांध कर रखी है प्रतीक पाटिल ने. इस बार जिस तरीके से गेंदे हो रही है, खतरा उठाया था, रिस्की रन लेने की कोशिश, दैट इज वेरी क्लोज. बाल बाल बचे यहां पर, खतरों से खेल रही है यहां पर, रनों के लिए संघर्ष जारी है, स्ट्राइक के लिए तड़प रहे हैं प्रीतम पाटिल. रोशन के पास कोई जवाब नहीं है बीच मैदान में. पहली 4 गेंदे हमने देखी, केवल सिंगल बना है. केवल 1 रन खर्च किए अब तक, 4 गेंदे हमने देखी और चारों गेंदे मिस्टीरियस तरीके से फेंकी है. कोई जवाब नहीं था, कोई आता पता नहीं है बल्लेबाजों को कि कहां गेंदे जा रही है, कहां पर गेंदे घूम रही है. इस बार भी लाजवाब गेंदबाजी, जितनी तारीफ करे इस खिलाड़ी की उतनी कम है. और जिस तरीके से ये खिलाड़ी है, बड़ा खिलाड़ी है, ओम सई भंगार पड़ा और नीले स्पोर्ट्स आवले से हमेशा तालुका आप में नजर आते हैं और इसी के लिए जाना जाता है खिलाड़ी, गेंदे घुमाने के लिए जाना जाता है. और पूरी तरीके से बल्लेबाजों का सर चकरा रहा है मैदान में. 5 गेंदे केवल 1 रन खर्च किया, लाजवाब गेंदबाजी का नजारा प्रतीक पाटिल के माध्यम से. इस बार आगे गेंद फेंकी, इसके लिए तैयार थे रोशन सालुंके, ऐसा मौका छोड़ेंगे नहीं. जरूरत थी इस चौके की और वो चौका आया पहले ओवर के अंतिम गेंद के ऊपर. पहले ओवर की भी समाप्ति और पहले ओवर के समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान गावदेवी घोट टीम 5 रन. पर क्रिकेट चा आनंद घेता तिथे नेरे गावचे चॉकलेट बॉय ओमकार भालेकर आणि त्याचबरोबर महादेव धवले महालक्ष्मी नगर यांचं इथे आगमन झालेलं आहे, त्यांचं मनपूर्वक स्वागत आहे. सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हूँ, अरे मैं धीरे धीरे
तेरी चुनरिया दिल ले गई, तेरी ये बिंदिया दिल ले गई। थैंक यू सो मच। पहले ओवर की समाप्ति होती भी, टीम की रन संख्या टोटल 5 रन, धीमी शुरुआत मगर संभली हुई शुरुआत। अच्छी बात यह रही गावदेवी घोट क्रिकेट टीम के लिए कि पहले ओवर में कोई विकेट नहीं खोया। प्रतीक पाटिल को विकेट दिया नहीं उन्होंने, क्योंकि वो जानते हैं कि बचेंगे तो ओवर भी लड़ेंगे। गेंदों की मांग की जा रही है, बॉल बॉय तो सन्मान्य श्याम जी ठाकुर इस प्रतियोगिता को आज की रात टाटा बाय बाय करते हुए, थैंक यू सो मच। मैदान के अंदर हम जरूर जाएंगे दोस्तों। पहली ओवर हमने प्रतीक पाटिल की देखी, कमाल की यहां पर ओवर रही, केवल एक चौका आया। जो आगे गेंद फेंकी थी वो रोशन उसके लिए तैयार थे। प्रीतम पाटिल ने 2 गेंदें खेली थी, 1 सिंगल बने अपनी टीम के लिए। रोशन के ऊपर प्रेशर बना था, जब 3 गेंदे उन्होंने लगातार डॉट खेली थी और उसके बाद ये राहत की सांस दिलाने वाला गावदेवी घोट टीम के लिए ये चौका आया। टीम की रन संख्या टोटल बनी है बिना नुकसान 5 रन। ये अच्छी रणनीति बनाई है क्योंकि धीमी शुरुआत जरूर है, लेकिन वो जानते हैं विकेट के ऊपर रहेंगे, जैसे सेट होंगे मैदान के अंदर रन जरूर बनेंगे। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था तकदीर पाटिल ने बल्लेबाजी की थी, शानदार बल्लेबाजी बामन डोंगर क्रिकेट टीम के माध्यम से हुई थी। पिछले मुकाबले में भी देखा धीमी शुरुआत करी रोहिंग क्रिकेट टीम ने, अंतिम क्षणों में रन जोड़े और मुकाबला जीता। और गावदी घोट क्रिकेट टीम को यहां से एक रणनीति लेकर चलना होगा, क्योंकि सर सलामत तो पगड़ी 50 और विकेट बचाया मैदान के अंदर पहले ओवर में केवल 5 रन है। दूसरा ओवर लेकर आएंगे मंगे स्पोर्ट्स खारकोपर टीम के माध्यम से गेंदबाज विशाल घरत। प्रतीक पाटिल जो टीम के कप्तान है, कप्तान भरी गेंदबाजी, कप्तान की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। अब इस मर्तबा विशाल तैयार, इस बार ये गेंद हवा में है, पीछे खिलाड़ी तैनात तो जरूर था, लेकिन यहां से जब तक गेंद तक पहुंच पाएगा, थोड़ी सी धीमी रही वहां पर गेंद, टप्पा गिरने के बाद रुक सी गई और वहां से केवल 2 रन का इजाफा होता हुआ। प्रीतम ने स्ट्रोक को कन्वर्ट किया था, बड़े स्ट्रोक की तलाश करेंगे। दूसरा पावर प्ले, पावर प्ले में दादागिरी हमेशा बल्लेबाज की होती है, लेकिन यहां से गेंदबाजों की जादूगरी हम देख पा रहे हैं। 7 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर, अभी तक विकेट नहीं खोया। उन विकेटों की तलाश होगी क्योंकि मंगे स्पोर्ट्स खारकोपर टीम भी जानती है यदि ये खिलाड़ी खड़े रहे तो रन जरूर बनेंगे। उतनी क्षमता, उतनी काबिलियत, वो कला जरूर रखते हैं मैदान के अंदर, लेकिन इन खिलाड़ियों को रोकने के लिए पेंत्रे आजमाए जा रहे हैं, यहां पर षड्यंत्र बनाए जा रहे, प्लानिंग करी जा रही है। गति में मिश्रण एक बार फिर से किया, लाजवाब गेंदबाजी, क्योंकि पिछली गेंद तेज फेंकी थी, ये गेंद हल्की सी शॉट भी रखी और ऊपर से धीमी रफ्तार से फेंकी हुई गेंद, आउट स्विंगर था और समझ नहीं आया प्रीतम को। डॉट गेंद की समाप्ति यहां से होती हुई, 2 गेंदें पूरी हो चुकी है इस ओवर में। 3री गेंद लेकर चलेंगे गेंदबाज विशाल घरत। इस बार जगह बनाई थी अपने आप के लिए, शफल आइज जरूर किया था, लेकिन कोई जवाब नहीं है इन सवालों का। क्या सवाल पूछ रही है मैदान के अंदर, जिस तरीके से प्रतीक पाटिल ने गेंदबाजी करी, विशाल घरत उनके पैरों के ऊपर कदम रखकर क्या कमाल की गेंदबाजी दिखा रहे, रोक के रखा है, पकड़ कर रखा है, जकड़ कर रखा है खिलाड़ियों को। इस बार रिवर्स खेलने की कोशिश थी, लाजवाब गेंदबाजी का नजारा, मुस्कुराहट जरूर है प्रीतम के चेहरे के ऊपर, वो जानते हैं, लेकिन इन खिलाड़ियों का, इन सवालों का उनके पास जवाब नहीं है। खिलाड़ी तो कई है दोस्तों, लेकिन असली खेल अब कौन खेल पाएगा। टीम की रन संख्या रुक सी गई है, पहली 10 गेंदों का सफर समाप्त होता हुआ रन बने हैं केवल 7 रन बिना नुकसान। आरंभिक जोड़ी मैदान के अंदर है जिनके नाम से टीम जानी जाती है, प्रीतम पाटिल रोशन सालू के बड़े नाम है गावदेवी घोट टीम के, लेकिन अब तक शांत बैठे हैं। इस बार भी हमने देखा बिल्कुल लाजवाब गेंदबाजी का नजारा, अब नजरें बदलो तो नजारे खुद ब खुद बदल जाएंगे और मैदान के अंदर हम देखेंगे केवल 7 रन मैदान के अंदर। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार विशाल घरत, इस बार पुल करने का प्रयास था जरूर, गेंद हवा में है, प्रेशर बना था डॉट गेंदों का, लेकिन मौका मिलेगा यहां से, कैच छूटा, दिल टूटा, जिस तरीके से कहते ना कि ऐसे मौके यदि आप गवाओगे तो यह अच्छी बात नहीं है आपके टीम के लिए। प्रीतम पाटिल को एक सुनहरा मौका मिलेगा यहां से, जो डॉट गेंदें खेली थी उन डॉट गेंदों का वो प्रेशर था, उस स्ट्रोक को कन्वर्ट करना चाहते थे बड़े स्ट्रोक में, ये हल्की सी खराब गेंद जरूर गिरी थी, लेकिन प्रीतम पाटिल के ऊपर जो दबाव था उस दबाव के नीचे केवल 2 रन मिलेंगे। पहले 2 ओवर की भी समाप्ति, पहले में आए 5, दूसरे में आए 4, टीम की रन संख्या बिना नुकसान 9 रन।
दो ओवर की यहां से समाप्ति होती भी रन बने हैं टोटल 9। जिस तरीके से कहते हैं ना कि जिंदगी में लगातार मिल रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, वे कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। और ये दो खिलाड़ी जानते हैं पहले दो ओवर में रन आए नहीं, लेकिन यहां से अब आपके पास समय नहीं होगा, ये मिडल ओवर का खेल है। मैदान में यकीनन हम जाएंगे दोस्तों, टीम की रन संख्या केवल 9 रन, स्ट्राइकर एंड के ऊपर आएंगे रोशन सालुंग के। रोशन की बात करेंगे, रोशन ने 4 गेंदे खेली है, 4 रनों का योगदान है, तो प्रीतम ने 8 गेंदों में अब तक 5 रन बनाया है। रोशन के लिए यह गेंद थी, एक बार फिर से आए हैं प्रतीक पाटिल गेंदबाजी में, क्या कमाल की गेंदबाजी। सफलता दुनिया की अच्छाई दिखाती है और असफलता आपको दुनिया की सच्चाई दिखाती है। जबरदस्त मुकाबला यहां से बनता हुआ नजर आ रहे हैं, गेंदबाजों का बोलबाला अब तक हमने देखा है इस मुकाबले में, शानदार और जानदार गेंदबाजी का नजारा प्रतीक पाटिल राउंड द विकेट से। यहां से रोशन सालोंके के लिए क्या करा जाए, कब रन बनेंगे, कब वो बड़े स्ट्रोक आएंगे, कब मुकाबले में मजा आएगा, कब चौके छक्के देखने को मिलेंगे। और यहां से हम देख पा रहे डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई, लगातार डॉट गेंदे खेल रही है बीच मैदान में। पहले ओवर में 4 डॉट गेंदे, दूसरे में 4 और यहां पर 2 डॉट गेंदे, 10 गेंदे अब तक डॉट के लिए। ये 11वीं गेंद थी जो डॉट के लिए। यहां से रोशन सालोंके मैदान के अंदर, क्या करा जाए, शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाए तो खेल खत्म है। यहां से जमीर को भी जिंदा रखना है, अपनी टीम की उम्मीदें भी जिंदा रखनी है डॉट गेंद इस बार। ये गेंद हमने देखी, अंपायर का इशारा आता हुआ कि यह गेंद खराब है। इस गेंद के ऊपर 1 रन जरूर मिलेगा, एक्स्ट्रास के रूप में रन आए। ये पहली वाइड थी, ये पहली अतिरिक्त रन थी, टीम की रन संख्या टोटल 10, 10 रन। बल्ले के बीचों बीच गेंद आई नहीं, गेंद हवा में है, मिड ऑफ में खिलाड़ी तैनात है, आसान सा मौका। जिस तरीके से कहते ना प्यार में धोखे और क्रिकेट में मौके आपको बार बार नहीं मिलते, क्रिकेट आपको बार बार मौके दे रही है। प्रीतम को एक जीवन दान, रोशन को एक जीवन दान। जिस तरीके से कहते हैं ना कि शेर जितना जख्मी होता है उतना खूंखार होता चला जाता है, लेकिन क्या ये खिलाड़ी खूंखार साबित होंगे? आसान से मौके आप दे रहे हो, गेंदबाज इसमें कुछ नहीं कर सकता, कमाल की गेंदबाजी हो रही है, लेकिन फील्डरों को आपको साथ निभाना होगा। आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश थी, इस बार जरूर रन मिलेगा। व्हाइट का एक्स्ट्रा के रूप में रन आ रहे, टीम की रन संख्या आगे बढ़ती हुई 12 रनों के ऊपर पारी पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से कहते हैं कि इस खिलाड़ी का अंदाज अलग है, इसका तरीका अलग है, इनकी स्टाइल अलग है, और स्टाइल के साथ गेंदबाजी चलती हुई प्रतीक पाटिल के मैदान में, टीम की रन संख्या केवल 12 रन राउंड द विकेट। ये गेंद भी हमने देखे, कोई मौका नहीं किसी के पास, बल्लेबाज के पास, हम देख पा रहे डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई, पूरी तरीके से गेंदबाजी छाई हुई है गाउदेवी घोट क्रिकेट टीम के पास, और रोशन सालोंके और प्रीतम पटेल के पास कोई यहां पर मौका नहीं बन रहा। हल्की सी शबनम भी गिर रही है मैदान के अंदर, लेकिन यहां से गेंदबाज इसका फायदा जरूर उठा रहे, लेकिन बल्ले से गेंद टकरा ही नहीं रही है, टकरा भी नहीं हो रहा है, चिंगारिया भड़क नहीं रही है, लेकिन चिंगारिया कब भड़केगी यहां से। पहले 3 ओवर की भी समाप्ति, और 3 ओवर के समाप्ति के बाद टीम धीमी रफ्तार से आगे बढ़ती भी, 4 की धीमी औसत से 12 रन बिना नुकसान। जय लक्ष्मी मैदानाला, जय हनुमान क्रिकेट संघाने आयोजन सामन्यांचा केला, विजय चव्हाण समीर पाटील ने आयोजन सामन्यांचा केला। थैंक यू सो मच। मुकाबला थोड़ा सा ठंडा चल रहा है दोस्तों, दर्शक मजा उठा रहे, लेकिन यहाँ पर दर्शकों के लिए भी हम जरूर कुछ कहेंगे दोस्तों, कि पीने वालों को मौका चाहिए और मैदान का कोना चाहिए, लेकिन आपको क्या पता दोस्तों शराब कैसे पिलाई जाती है, बोतल खोलने से पहले हिलाई जाती है, फिर आवाज लगाई जाती है, आ जाओ दर्द दिल वालों, या दर्द दिल की दवा पिलाई जाती है। ये देखिए सुनील जी तांडेल स्क्रीन के ऊपर, मैदान के अंदर हम जरूर जाएंगे दोस्तों। टीम की रन संख्या 12, 1 रन का यहां से जरूर इजाफा होगा। बल्ले से गेंद टकराई, अंपायर विनोद पांडे सर मोह इशारा आता हुआ 1 रन यहां से जरूर मिलेगा, टीम की रन संख्या आगे बढ़ेगी 13 रन। अक्षय घरत आएंगे गेंदबाजी में 4th ओवर लेकर इस पारी का, टीम की रन संख्या यहां से 13 रन, गेंदबाज तैयार अक्षय।
इस गेंद को खेला, पीछे खिलाड़ी तैनात है स्क्वेयर लेग में, एक रन जरूर मिलेगा, दूसरे की कोशिश भी नहीं है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा दिखाना होगा क्योंकि अब आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं बचा, केवल 10 गेंदों का खेल बचा हुआ है, एक भी चौका नहीं, एक भी छक्का नहीं, पहली बाउंड्री का इंतजार मैदान के अंदर चलता हुआ यहाँ से देख पा रहे प्रीतम पाटिल और रोशन सालुंग के, इंतजार कब खत्म होगा, ये इंतजार की घड़ियां, ये इंतजार के पल बेहद चुभेंगे यहां से, लेकिन ये फुल टॉस गेंद थी, पीछे खिलाड़ी जरूर तैनात है, अंपायर का इशारा आता हुआ कि ये गेंद बीमर है, बीमर करार दी गई इस गेंद को, 1+1 ऐसे 2 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर, लोअर फुल टॉस यहां पर हाई फुल टॉस जरूर थी, वेस्ट साइड के ऊपर कमर के ऊपर जब गेंद आती है तब उसको बीमर कहा जाता है, लेकिन इसके ऊपर बड़े स्ट्रोक खेलने की तलाश जरूर थी, लेकिन रन मिलेगा केवल सिंगल, 2 रन आएंगे टोटल इस गेंद के ऊपर, टीम धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, 16 रन जैसे तैसे 40-45 के ऊपर पहुंचना होगा, काबिलियत रखते ये खिलाड़ी, ये खिलाड़ी हुनर रखते जरूर है, लेकिन यहां से थोड़े से प्रेशर में आते हुए कमाल का मुकाबला। यहां पर हम देखेंगे जरूर फ्री हिट की यह गेंद थी, लेकिन यहां पर विकेट फेंका। थैंक यू सो मच। तो प्रीतम पाटिल ही जाएंगे, प्रीतम पाटिल का विकेट और रोशन को मिलेगी स्ट्राइक। टीम की रन संख्या टोटल कंचन पालकर हमें जानकारी देंगे, 16 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर यह पहला विकेट गिरा। ये जुझारू साझेदारी जो संघर्ष चल रहा था वो आखिरकार समाप्त हुआ प्रीतम पाटिल का, रोशन सालुंकर अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर, प्रसाद पाटिल पप्पू मैदान के अंदर। तो गेंदबाजी में अक्षय घरत एक बार फिर से तैयार, इस ओवर की चौथी गेंद लेकर सामने होंगे रोशन सालुंकर, टीम की रन संख्या टोटल 16 रन। ये गेंद हमने देखी, खिलाड़ी वहां पर तैनात, तो रोशन का भी विकेट, मैदान के बाहर जाएंगे आरंभिक जोड़ी मैदान के बाहर। थैंक यू सो मच। ये प्यार भरी धुने हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, हम शराब तो पीते नहीं दोस्तों, लेकिन शराबी दोस्त जरूर रखते हैं क्योंकि वो कांच की बोतलें तो तोड़ते हैं लेकिन दिल कभी नहीं तोड़ते, और दिल तोड़ने वाले हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। मैदान के अंदर हम जरूर जाएंगे दोस्तों मुकाबले में, 16 रन है, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर, अभी भी आने वाली इस सत्र की 8 गेंदें शेष होगी। गेंदबाज तैयार इस मरतबा अक्षय घरत इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर, एक और सफलता, कमाल की गेंदबाजी, गेंदबाजों की जितनी तारीफ करें उतनी कम है, पूरी तरीके से इन खिलाड़ियों को बांध कर रखा है, खुली छूट दी नहीं है, और हर एक गेंदबाज ने क्या कमाल का परफॉर्मेंस किया है। तीसरा खिलाड़ी मैदान के बाहर, गाँवदेवी घोट क्रिकेट टीम की हालत खस्ता है 16 रनों के ऊपर, यह तीसरी सफलता। टीम की रन संख्या टोटल है 16 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर।
हमारे महागुरु गड़गे सर, थोड़ी सी हल्की सी नींद उनके चेहरे के ऊपर छाती हुई। मैदान के अंदर हम जरूर जाएंगे। अच्छा स्ट्रोक इस बार, खिलाड़ी पीछे तैनात है और आखिरकार बाउंड्री का इंतजार समाप्त हुआ। 23 गेंदे खेलनी पड़ी इस पहले छक्के के लिए और चौथे ओवर की अंतिम गेंद के ऊपर ये बड़ा स्ट्रोक आया। 4 ओवर की समाप्ति होती भी और 4 ओवर के समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या है 22 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। मन क्रिकेट संघ टीम की रन संख्या की बात करेंगे तो 22 रन अंतिम ओवर शेष होगा इस पारी का। 2 नए बल्लेबाज मैदान में मौजूद है, प्रसाद पाटिल, सचिन पाटिल उनका साथ निभा रहे हैं। सचिन ने पहली गेंद के ऊपर छक्का लगाया था तो गेंदबाजी में आएंगे गेंदबाज हर्षल ठाकुर। 5वीं ओवर अंतिम ओवर, स्लॉग ओवर, डेथ ओवर, पहले 4 ओवर में केवल 22 रन बने हैं गांवदेवी घोट क्रिकेट टीम के। पटकी भी गेंद करी थी, हल्की सी खराब गेंद जरूर थी, नाराज होंगे अपने आप से, इस गेंद के ऊपर बड़े स्ट्रोक की तलाश जरूर करनी चाहिए थी। 35-40 भी बनते हैं तो यकीनन यहाँ से लड़ाई करी जा सकती है। अगर एक टीम ने रन रोके तो आप भी रोक सकते हो, मुकाबले में मजा आप भी ला सकते हो, मुकाबले में जान आप भी जोत सकते हो। वो जज्बा, वो सकारात्मक सोच, वो पॉजिटिव रवैया, वो पॉजिटिव थिंकिंग आपके अंदर नजर आनी जरूरी होगी। एक रन यहाँ से जरूर मिलेगा। मुकाबला थोड़ा सा शांत चल रहा है दोस्तों, लेकिन जो दर्शक है पूरी तरीके से इंजॉय करते हुए, क्योंकि बिल्कुल पूरी तरीके से इंजॉय करते हैं जब नाइट के टूर्नामेंट होती है। जिस तरीके से कहते हैं ना कि देवदास की तरह जान मत दो यारो, मेरी बात मानो, प्यार को लात मारो, न चंद्रमुखी ना पारो, रोज रात को एक स्ट्रांग बियर मारो। यदि आपको फ्रेश रहना है, फ्रेश तो ज़रूरत है उसकी, लेकिन शराब पीना बहुत बुरी चीज़ है दोस्तों। कांचम पालकर फरमाइश के ऊपर फरमाइश, मजा मुकाबले में पूरी तरीके से गेंदबाजी छाती भी, गेंदबाजों की ताकत मैदान के अंदर हमें देखने को मिल रही है। पहली 3 गेंदे रन केवल खर्च किया 1, पहला ओवर फेंका था प्रतीक पाटिल ने, 2 ओवर फेंके और प्रतीक ने केवल 8 रन खर्च किए। विशाल ने गेंदबाजी करी, केवल 4 रन खर्च किए और यहाँ से हमने देखा अक्षय ने 10 रन खर्च किए थे। क्या कमाल की गेंदबाजी, अब तक 23 रन केवल बने हैं गांवदेवी घोट क्रिकेट टीम के। और जैसे टॉस जीता था पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, ताकत प्रतीक ने अपनी बल्लेबाजों के ऊपर विश्वास दिखाया था, लेकिन यहां पर गेंदबाजी पूरी तरीके से छा चुकी है मैदान के अंदर। क्या कमाल की गेंदबाजी ओवर द विकेट से, कदमों का इस्तेमाल किया इस बार, डांसिंग ऑन द विकेट, पीछे खिलाड़ी जरूर तैनात है। सिंगल मिलेगा, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है। 24 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर, अब अंतिम गेंद शेष होगी। पहला सत्र मैदान में हमने केवल 1 छक्का देखा, अब तक 29 गेंदों का सफर हमने देखा। शुरुआत अच्छी नहीं रही, प्रीतम पाटिल रोशन सालों के 3 ओवर तक दोनों का संघर्ष जारी था, दोनों की मेहनत जारी थी, लेकिन अंतिम क्षणों में अपने विकेट फेंके राइट ओवर द विकेट से। यह अंतिम गेंद अच्छा स्ट्रोक है, लेकिन पीछे खिलाड़ी प्रोटेक्शन तैनात था। 1 ही रन मिलेगा, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है। पहला सत्र यहां से समाप्त होता हुआ, पहले सत्र में रन बने हैं टोटल 25 रन बने और जीतने के लिए 5 ओवर 26 26 रनों की जरूरत है। राजा जमलाय सारा विजय लक्ष्मी मैदानाला, जय हनुमान क्रिकेट संघाने आयोजन सामन्यांचा केला, विजय चव्हाण समीर पाटील ने आयोजन सामन्यांचा केला।
चव्हाण स्पॉन्सर आहेत नाईट सामन्यांचे आधार मोठा इथ साहेबांचा स्वागत मान्यवरांचे चव्हाण स्पॉन्सर आहेत नाईट सामन्यांचे आधार मोठा इथ साहेबांचा स्वागत मान्यवरांचे झकेरिया पटेल साहेबांची साथ हाय हो संघाला शैलेश संभाजी रामदाद जयराम आहेत स्वागत करायला जय हनुमान क्रिकेट संघाने आयोजन सामन्यांचा केला विजय चव्हाण समीर पाटील ने आयोजन सामन्यांचा केला समीर पाटील दिलदार भाई कमी कशाची नाही त्याला थैंक यू। तर चला फलंदाज मैदानावरती लगेच आपण यायचंय जिंकण्यासाठी 30 चेंडू आणि 26 धावांची गरज आहे। मी विनंती करेन रोहिंजन संघाच्या संघनायकाला आपण मंचावरती लगेच प्रस्थान करायचंय। येणारे 30 चेंडू आणि 26 धावा पहिला सत्र आपण पाहिला कमालीची गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली। सर्वच्या सर्व गोलंदाजांनी आपली रणनीतन गोलंदाजी केली ज्या प्रकारे धावा रोखल्या गेल्या प्रतीक पाटील त्यानंतर विशाल घरत आला अक्षयने चांगली साथ दिली आणि शेवटच्या क्षणाला हर्षल ठाकूरने सुद्धा आपल्या संघाला किंवा संघासाठी योगदान दिलं आणि केवळ 3 धाबा खर्च केल्या। एकूण धाबा धावसंख्या फलकावरती झाल्या 25 आणि जिंकण्यासाठी 26 टार्गेट। चला सामना सुरू करा। मी विनंती करेन पंचांना रात्रीचे एक वाजून 36 मिनिटे तो जीतने के लिए यहां से 26 का टारगेट। मैदान के अंदर हम जाएंगे 26 की दूरी जिस तरीके से गेंदबाजी हुई थी उसी तरीके से गेंदबाजी यहां पर करनी होगी। विकेट आएगी तो मुकाबले में आप भी जिंदा रहोगे। मुकाबला छोड़ना मना है दोस्तों, याद रखना कोई भी हारने के लिए नहीं उतरता, सब जीतने के लिए उतरते हैं। अच्छे कोई बात नहीं, आपकी बल्लेबाजी इतनी अच्छी जैसे चाहते वैसे हुई नहीं, लेकिन गेंदबाजी में वो क्षमता आपको रखनी होगी। क्रिकेट में जैसे कहा जाता है दोस्तों, नेवर गिव अप। अपने कई सारे मुकाबले हमने ऐसे देखे लो स्कोरिंग के मुकाबले। अड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, ये पहले विकेट थी, पहला विकेट मैदान के बाहर लौटा, शंखनाद हो चुका है, हम हार नहीं मानेंगे और पहला खिलाड़ी मैदान के बाहर। योगेश पाटिल गेंदबाजी में आए, पहली गेंद के ऊपर दो रन जरूर आए लेकिन उसके बाद विकेट आता हुआ। रंजीत पाटिल मैदान के बाहर लौटेंगे तो तीसरे नंबर के ऊपर आएंगे बल्लेबाज हर्षल ठाकुर और प्रफुल घरत मैदान के अंदर। 26 रनों की दूरी पार करनी है, पहली दो गेंदों में एक सफलता, दो रन खर्च हुए। गेंदबाजी में एक बार फिर से तैयार योगेश पाटिल, राउंड द विकेट से यह गेंद।
ये गेंद हमने देखी सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश, तीर की तरह सीधी भी गेंद, डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई, मुकाबले में जान बरकरार रहेगी। गोट क्रिकेट टीम इतने आसानी से मुकाबला छोड़ेगी नहीं, मैदान के अंदर मुकाबला क्या बनेगा यहां से। चौथी गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, एक और अच्छी गेंद, शानदार गेंदबाजी का नजारा। पहला ओवर जैसा पहला सत्र हमने देखा था, प्रतीक ने केवल 5 रन खर्च किए थे और इसके बाद का सफर हम देख पा रहे इस सत्र में। जैसे शुरुआत हुई पहली 4 गेंदे रन बने हैं, टोटल 2, एक सफलता योगेश पाटिल के नाम। एक बार फिर से राउंड द विकेट से योगेश पाटिल, बल्ले का बाहरी किनारा और एक और सफलता। गांव देवी घोट क्रिकेट टीम धीरे धीरे मुकाबले में लौटती हुई, पहली 5 गेंदे रन बने हैं टोटल 2 और 2 सफलता योगेश पाटिल गांव देवी घोट टीम के नाम। मोटर वाला नको पैसे वाला नवरा दिल वाला पाइजे बाबा वाला, मोटर वाला नको पैसे वाला नवरा दिल वाला पाइजे बाबा वाला। तुझे साथे पूरी दिल वाला नवरा शोधिन तुला, तुझे साथे बैगो चप्पल जिदविन पूरी दिल वाला नवरा शोधिन। पहली 5 गेंदे हमने देखी, 2 सफलता योगेश पाटिल के नाम। मंगे स्पोर्ट्स खारकोप पर टीम हल्की सी लड़खड़ाती भी मैदान के अंदर नजर आ रही है। पहले ओवर हल्के से प्रयोग भी कर रहे हैं, वो जानते 26 का टारगेट, लेकिन इतने बड़े मंच के ऊपर आप इस तरीके से एक्सपेरिमेंट के लिए आपके पास समय नहीं होगा। कदमों का इस्तेमाल किया, इस बार गैप में गेंद जाएगी, एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी जरूर तैनात है। सिंगल मिलेगा सिर्फ, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे के तैसा जवाब दिया, वहां पर ईट का जवाब पत्थर से देती भी गांव देवी घोट क्रिकेट टीम। स्कोरिंग कंपैरिजन हम देखेंगे, घोट क्रिकेट टीम ने पहले ओवर में 5 रन जोड़े थे और यहां से हमने देखा पहले ओवर में केवल रन बने हैं 3 और 2 सफलता। अभी भी मुकाबला जिंदा है, अभी भी मुकाबला जीवित है दोस्तों। बागो नावा खारी बोलते शेवा खारी मेवनी चल जाऊ गो, घारा पूरी मेवनी चल जाऊ गो, घारा पूरी मेवनी चल जाऊ गो, घारा पूरी ए घारा पूरी चे हाटे लालू मेवनी काय खाशील शिरा पूरी। रुसू नको फुगू नको मेवनी हात माझा झाला खाली। वाह क्या बात है, सभी एंजॉय करते हैं इस टूर्नामेंट को। पहले ओवर में रन बने हैं टोटल 3, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। दूसरा ओवर लेकर चलेंगे गेंदबाज रोशन सालोंके, बल्लेबाजी तो चली नहीं लेकिन गेंदबाजी में क्या हाथ आजमाएंगे। लेकिन इस बार पॉइंट को क्लियर किया, खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, दूसरे की तलाश होगी और 2 रन का आसानी के साथ इजाफा होता बा। 2 रनों की मदद से पारी आगे बढ़ेगी, धीरे धीरे मंजिल की ओर क्या बढ़ पाएगी यहां से मंगे स्पोर्ट्स खारकोपर क्रिकेट टीम या फिर गांव देवी इलेवन घोट क्रिकेट टीम मुकाबले में सिकंजा कस्ती चली जाएगी। 5 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान के ऊपर, 26 रनों का टारगेट था लेकिन यह टारगेट इतना आसान दिख नहीं रहा बल्लेबाजी करने वाली मंगे स्पोर्ट्स खारकोपर टीम के लिए, क्योंकि सामने वाली टीम गांव देवी घोट क्रिकेट टीम से योगेश पाटिल ने शुरुआत करी। इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला है लेकिन पीछे खिलाड़ी तैनात, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, तीसरा खिलाड़ी मैदान के बाहर लौटता हुआ। गांव देवी घोट क्रिकेट टीम अब बिलीव कर रही है, अब सोच रही है जीत का, यहां से तीसरा खिलाड़ी मैदान के बाहर। हे मास्टर बैल वाला तो शीश पाटिल छकड़े वाला, हे चंद्या बैल वाला तो शीश पाटिल छकड़े वाला, हे मास्टर बैल वाला तो शीश पाटिल छकड़े वाला, हे चंद्या बैल वाला तो शीश पाटिल छकड़े वाला। खऱ्या अर्थाने व्यासपीठ आम्ही पाहतो आमच्या बॅक साइडला रोहन पाटील, क्रीडा नव्हे तर खऱ्या कुस्ती क्षेत्रातील सुद्धा बाहुबली म्हणून ओळखला जातो। कारण रायगड कुस्ती प्रीमियर लीग मध्ये सुद्धा त्यांनी एक दमदार कामगिरी साकारली होती। त्यांच्यानंतर आमचे सूरज पाटील आहेत, खऱ्या अर्थाने नेरे क्रिकेट संघाच्या दृष्टिकोनातून दिशा गती देण्याचं काम सातत्याने सूरज पाटील यांच्या माध्यमातून झालं। संपूर्ण टीम आम्ही, आमचे जितेश पाटील इथे आहेत, आपलेही मनपूर्वक आम्ही इथे आभार व्यक्त करू। खूप योगदान आहे तुमच्या संपूर्ण सेलेदारांचा। ओ टू मनोर, ये गेंद हमने देखी, फिर से डॉट गेंद है, ऐसा लग रहा था कि मुकाबला एक तरफ चलेगा लेकिन घोट क्रिकेट टीम के इरादे कुछ अलग है। कुछ बुलंद हौसलों के साथ
मैदान के अंदर उतरे, पहली तीन गेंदों में केवल दो रन खर्च किए रोशन सालुंके ने और एक सफलता है। ये गेंद भी हमने देखी, डॉट गेंद की समाप्ति होती भी, क्या हो रहा है मैदान के अंदर, क्या ये वही विकेट है? इसी विकेट के ऊपर हमने 60-70 रन भी चार ओवर में देखे हैं और इसी विकेट के ऊपर हमने 25 के अंदर सिमटते हुए देखा है। एक टीम तो ऑल आउट भी रही, चिंसपाड़ा टीम, कामड़े क्रिकेट टीम ने भी 9 विकेट लिए थे। नखरे दिखाते हुए विकेट हाथ से कर रही है मैदान में, लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी तैनात थे, जरूर हल्की सी मिस फील्ड क्या हुई लेकिन रन चुराने का कोई मौका नहीं था। एक ही रन मिलेगा इस गेंद के ऊपर, सिंगल के मदद से पारी आगे बढ़ेगी। 26 रनों का टारगेट था, अभी भी रन बने हैं टोटल 6 रन, अभी भी 20 रन जीतने के लिए जरूरत है। आने वाली गेंदें बचेगी 19 गेंदें और जीतने के लिए 20 रनों का टारगेट। रोशन सालुंग के मैदान में राउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे, बल्लेबाजी में कुछ खास कर नहीं पाए लेकिन गेंदबाजी अच्छी रही है। अब तक पहली 5 गेंदों में केवल 3 रन खर्च हुए राउंड द विकेट से। रोशन तेजी, 30 गेंद के ऊपर, पीछे खिलाड़ी तैनात है शिवा गोंदली, कोई गलती नहीं होगी और यहां से एक और सफलता 6 रनों के ऊपर। यह चौथा खिलाड़ी मंगे स्पोर्ट्स कार को पर टीम का मैदान के बाहर, मुकाबला बन चुका है दोस्तों। 18 गेंदे और जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत। दो ओवर की समाप्ति होती भी, दो ओवर में रन बने हैं, पहले ओवर में 3, दूसरे ओवर में 3 रन आए, पहले ओवर में 2 विकेट, दूसरे ओवर में 2 विकेट आए, 6 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। कैसा मुकाबला यहां से घटेगा, जिस तरीके से कहते हैं ना कि कोई नहीं है टक्कर में, सब पड़े हैं चक्कर में, ये कैसा विकेट खेल रहा है, कभी बल्लेबाजी आगे हो रही है, कभी गेंदबाजी शानदार हो रही है, लेकिन इस मुकाबले में गेंदबाजों का बोलबाला हमें देखने को मिला, शानदार नजारा। मुकाबले में क्रिकेट के इतिहास के पन्ने यदि हम खोल कर देखेंगे, जितने लो स्कोरिंग के मुकाबले हम देखते हैं उतने हम हाई वोल्टेज देखते हैं, और यहाँ से किस प्रकार से ये ड्रामा आगे बढ़ेगा, इस नाटक का एंड किस प्रकार से होगा, यह भी देखने वाली बात है। टीम की रन संख्या टोटल है 6 रन, क्लाइमैक्स की ओर हम जरूर बढ़ेंगे दोस्तों। गेंदबाज तैयार योगेश पाटिल, तीसरा ओवर लेकर चलेंगे। जिस तरीके से पहले सत्र में प्रतीक पाटिल ने गेंदबाजी की थी उसी के तहत गेंदबाजी करनी होगी। 18 गेंदे और जीतने के लिए 20 की आवश्यकता। अच्छी गेंद, शानदार गेंदबाजी, कोन बनाती भी, एंगल बनाती भी गेंद विकेट कीपर के हाथों में चली गई। अब प्रेशर महसूस करेगी बल्लेबाजी करने वाली यहां से मंगे स्पोर्ट्स कार को पर टीम। हर्षल ठाकुर स्ट्राइकर एंड के ऊपर हम देख पा रहे, उनका साथ निभाने के लिए इनेट नंबर 6 प्रतीक पाटिल, यहां पर 6 नंबर के खिलाड़ी मैदान के अंदर हम देख पा रहे। गेंदबाजी में योगेश पाटिल आएंगे राउंड द विकेट से। अगली गेंद खोद कर निकालने की कोशिश, यहां पर हल्की सी मिस फील्ड हुई खुद के फॉलो थ्रू में। ऐसे रन आपको नहीं देने होंगे, यदि आपको दबाव को बरकरार रखना है तो सिंगल आपको रोकने हैं मैदान के अंदर, लेकिन वो सिंगल की तलाश करी प्रतीक आएंगे स्ट्राइकर एंड के ऊपर। टीम की रन संख्या है 7 रन, मुकाबला बन चुका है दोस्तों। शानदार और जानदार मुकाबला चलता हुआ, क्योंकि जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी, लेकिन वो जीत शानदार किसके हिस्से में आएंगे, किन के हिस्से में खुशी आएगी, किन के हिस्से में गम आएंगे, क्या मुकाबला जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ता हुआ। अगली गेंद, तीसरी गेंद, हल्की से अपील भी हुई थी प्रतीक पाटिल के। ये गेंद जीतने का मजा तब आता है दोस्तों जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। अभी भी गेंदे बची है यहाँ पर, 15 गेंदे और जीतने के लिए 19 रनों की आवश्यकता। जबरदस्त गेंदबाजी का नजारा योगेश पाटिल के माध्यम से। चौथी गेंद इस ओवर की आएगी योगेश पाटिल के, 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ये गेंद हमने देखी लेग स्टिक के बाहर से गुजरने वाली गेंद, अंपायर का इशारा आता हुआ ये गेंद खराब आती भी, वाइड गेंद करना अंपायर द्वारा। जिस तरीके से कहते हैं ना कि रात में देर तक वही जागता है जो प्यार का मारा हो या फिर प्यार में हारा हो, लेकिन ये क्रिकेट के चाहने वाले हैं, ये क्रिकेट के प्रति बेशुमार मोहब्बत सभी दर्शकों की निगाह है मैदान के अंदर बनी हुई है। 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, गेंदबाज योगेश पाटिल तैयार। ये गेंद हमने देखी, लाजवाब गेंद थी, डॉट गेंद की समाप्ति होती है, लोअर फुल टॉस जरूर थी, प्रतीक ने चकमा खाया इस गेंद के ऊपर। अब गेंदे बचेगी 14 और जीतने के लिए
18 रनों की आवश्यकता है। क्या मुकाबला बन चुका है दोस्तों यहाँ से। क्रिकेट में जैसे कहा जाता है ना, नेवर गिव अप, कभी भी हार मत मानो। क्या मुकाबला बन चुका है। यदि आप क्रिकेट के दीवाने हो दोस्तों, तो आपके सुनने वाले कान, महसूस करने वाला दिल और देखने वाली आंखें यहाँ पर थाम के बैठिएगा, क्योंकि ये शानदार मुकाबला जा रही है मैदान में। जरूरत है अभी भी आने वाली गेंदें बचेगी 14 और जीतने के लिए 18 की आवश्यकता। गेंदबाज योगेश पाटिल, प्रत्येक के लिए ये गेंद आती हुई। किसने सोचा था कि मुकाबला इस हद तक आएगा। क्या मुकाबला यहाँ से बन चुका है। माचिस तो दोस्तों फालतू में बदनाम है, आग तो इस मुकाबले ने लगा रखी है। अंतिम 13 गेंदे और जीतने के लिए 18 रनों की आवश्यकता। योगेश पाटिल एक तरफ, हम देख पा रहे प्रतीक पाटिल, कदमों का इस्तेमाल किया था इस बार, डॉट गेंद आएगी। 3 ओवर की समाप्ति होती भी रन बने हैं केवल 8 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब गेंदे बचेगी 12 और जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत। एसपी थैंक यू सो मच। जिस तरीके से कहते हैं ना कि वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, अब में जोश ही नहीं तो किस काम की जवानी। और वो जोश देखा हमने, क्या कमाल का मुकाबला। एक समय ऐसा लग रहा था कि दर्शक क्या सोचेंगे, गोट क्रिकेट टीम के फैंस ने उम्मीदें लगाई थी, उन फैंस को बल्लेबाजी में निराश किया। लेकिन जिस तरीके से कहते हैं ना दोस्तों कि दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग, लेकिन उनके लिए जवाब था। क्या कमाल का मुकाबला बन चुका है। अंतिम गेंदे 12 और जीतने के लिए 18 रनों की आवश्यकता। डरना मना है दोस्तों, डर के आगे जीत छुपी होती है। अब यहां से मेहनत आपको करनी होगी, संघर्ष आपको दिखाना होगा, जीत का बहाना आपको ढूंढना होगा। अंतिम 12 गेंदे 18 की जरूरत है। प्रतीक पाटिल का 6 नंबर के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए आना, यह हमारे समझ से बाहर था, लेकिन यहां से सोच उनकी अलग थी। अब प्रीतम पाटिल आएंगे, रोशन ने अपना काम बखूबी से निभाया है। प्रीतम पाटिल क्या वो करिश्मा करके दिखाएंगे, क्या मुकाबले में जीत होगी, क्या गावदेवी गोट क्रिकेट टीम सिकंजा कसेगी या फिर खारकोपर टीम पलटवार करेगी। इरादे अलग है यहां से। हर्षल ठाकुर के बल्ले से निकलता हुआ ये दन दन करता हुआ लंबा छक्का। इस छक्के ने इस मुकाबले के नतीजे के ऊपर खलल डाला है दोस्तों। अब समीकरण बचेगा 11 गेंदे और 12 रनों की जरूरत है। एक बड़ा हिट इस छक्के के लिए भी इंतजार हुआ था, इस बाउंड्री का इंतजार लगभग 18 गेंदों तक हुआ और 18 गेंदों में आखिरकार यहाँ से छक्का आता बा हर्षल ठाकुर के बल्ले से। हर्षल ने भी संयम रखा मैदान में, 5 गेंदे हर्षल ने खेली थी, केवल 2 रन बनाए थे, लेकिन इस छक्के ने जब टीम को जरूरत थी, जब टीम मुश्किलात में थी, बीच भंवर में नैया जब फंस चुकी थी, तब वो छक्का आया है, तब हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। इस छक्के ने मोमेंटम क्या बदलेगा, क्या प्रीतम पाटिल वापसी करेंगे। 11 गेंदे 12 रन, सीधे बल्ले से एक बार फिर से खेला है, खिलाड़ी तैनात है, रोशन शायद वहां पर मौजूद है। रन मिलेगा केवल सिंगल, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है। अंतिम गेंदे बचेगी 10 गेंदे और जीतने के लिए 11 रनों की और जरूरत है। जो हल्की सी उम्मीद जगाई थी योगेश पाटिल ने, क्या उस उम्मीदों के ऊपर खरे उतर पाएंगे यहां से ये गेंदबाज प्रीतम पाटिल। गावदेवी घोट और मंगे स्पोर्ट्स खारकोपर के बीच में चलता बा यह द्वंद्व युद्ध। अच्छा स्ट्रोक अब खेला है, पीछे खिलाड़ी तैनात है, मात्र बनेंगे दर्शक। गेंद आएगी सीमा पार, दैट इज अ बिग वन, सिक्सर। कोशिश कमाल की रही यहां से गावदेवी घोट क्रिकेट टीम के। यदि बात करेंगे अभी भी आने वाली 9 गेंदे और जीतने के लिए जरूरत है 5 रन की जरूरत। ओवर द विकेट, राउंड द विकेट से आए, इस बार तेजी थी इस गेंद में।
डॉट गेंद की यहां से समाप्ति होती भी, 8 गेंदें बची है, 5 रन की और जरूरत है मुकाबला यहां से जीतने के लिए। सामने है प्रतीक, प्रतीक पाटिल। प्रतीक ने भी 4 गेंदें डॉट खेली थी, 5वीं गेंद के ऊपर अपना खाता प्रतीक ने खोला था। इस बार गैप में गेंद जाएगी, गेंद सीमा रेखा पर, अंपायर सिग्नल, ये चौका मिलेगा, स्कोर इज लेवल नाउ। टीम की रन संख्या है टोटल 25 रन, 1 रन की जरूरत है और यहां से स्टाइल में करेंगे फिनिश मंगे स्पोर्ट्स कारको पर। टीम ने यह मुकाबला जीत लिया है, 6 विकेट से मुकाबला जीता, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल प्लेड बॉयज। तर चला मी विनंती करेन कारकोपर संघाच्या संघ नायकाला, आपण लगेच नाणेफेकेसाठी संपर्क साधायचा आहे आणि त्यांच्या विरुद्ध खेळलेला रोहिंजन संघ, रोहिंजन संघाचा संघ नायक उपस्थित आहे। तर मी विनंती करते कारकोपर संघाचा संघ नायक आणि सामनावीर ठरते, गोलंदाजाने सामना गाजवला आणि ज्यांना 12 चेंडू फेकले, फक्त 8 धाबा खर्च केल्या आणि फलंदाजीमध्ये 16 धाब्यांचं योगदान देणारा खेळाडू ठरते कॅप्टन्स नॉक प्रतीक पाटील।